हेलो फ्रेंड्स, विंटर सीजन आने के साथ साथ हम सोचते हैं बॉडी के लिए कौन सा बॉडी लोशन यूज़ किया जाए, फेस के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर या फिर कोल्ड क्रीम यूज़ किया जाए, लिप के लिए कौन सा लिप बाम यूज़ किया जाए। दोस्तों, इन सारी वीडियो आप मेरे चैनल में मिल जाएंगी और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप कौन सा कोल्ड क्रीम यानी कि मॉइस्चराइजिंग यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा सा। तो दोस्तों, 10 कोल्ड क्रीम के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी और बहुत ही डिटेल्स में बताने वाली हूँ, साथ साथ इसका प्राइस के बारे में भी बताऊंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाए, फिर भी मेरे साथ बने रहे दोस्तों। बने रहने के लिए ज़रूर, मेरे चैनल में आप नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के पास जो बेल है उसको भी ऑल कर दीजिए ताकि जब भी ऐसा अच्छा अच्छा वीडियो छोड़ूँ सबसे पहले आप देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊँगी 10 ऐसे बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मुझे लगता है कोल्ड क्रीम यानी कि मॉइस्चराइजिंग के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, हम कोल्ड क्रीम क्यों यूज़ करें, क्यों ना हमारी जो स्किन होता है खास करके विंटर सीजन में ड्राइनेस हो जाता है बहुत ज़्यादा। ड्राइनेस की वजह से हमारी इचनिंग हो जाता है, कभी कभी देख सकते हैं तो इचनिंग की वजह से और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमारी स्किन फटने लगता है और भी ज़्यादा बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत सारे दोस्तों सोचते हैं कि कौन सा बॉडी लोशन या फिर क्रीम के लिए कौन सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर कोल्ड क्रीम यूज़ किया जाए। तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, एंड तक मेरे साथ ज़रूर बना रहे। तो इस वीडियो में 10 कोल्ड क्रीम के बारे में बताऊँगी। नंबर 10 पे मैंने रखा है हिमालया नरिशिंग स्किन क्रीम के बारे में। दोस्तों, ये 100 ml को आपको मिल जाएगी 225 रुपये में, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर purple.com से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। साथ साथ दोस्तों, ये आपकी स्किन को नरिशिंग तो बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, ये ब्रांड मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो आपको अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 9 पे मैंने रखा है कि इमामी मलाई केसर कोल्ड क्रीम विथ डबल केसर फॉर फेयरनेस। ये डबल फेयरनेस देता है, ये यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये बिल्कुल भी फेयरनेस बिल्कुल भी नहीं देता है, ये ज़रा सा झूठ है। साथ ही साथ मैं इसको बोलूँगी 100 ml का आपको लेगा 425 रुपये के, 50 रुपीज़ में आता है, ये आपको बहुत ही अच्छा आसानी से अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। इसका स्मेल के बारे में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा हाई है इसका स्मेल, तो आपको अच्छा लग सकता है, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है। उसके साथ साथ इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है और साथ साथ आपके स्किन को मॉइस्चराइजिंग बनाता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑयलनेस लगता है, तो इसलिए मैं इसको 9 पे रखा है। और नंबर एट पे रखा है मैंने आयुर का हर्बल कोल्ड क्रीम विथ एलोवेरा विटामिन ई इसमें है। तो दोस्तों, ये जो है ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी और ज़्यादा बुरा भी नहीं बोलूँगी, बस मीडियम है, आपको अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है। लेकिन इसमें जो एलोवेरा है, विटामिन ई है, इसलिए मैं इसको नंबर 8 पे रखा है। ये 500 ग्राम का आपको 200 में मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से ऑनलाइन में आपको मिल जाएगी। इसके बाद नंबर 7 के बारे में बात करूंगी। VLCC का ये क्रीम मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम है दोस्तों, मलबरी लिक्योरिक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो है यहाँ पर लिखा है इंस्टा फेयर एंड ग्लो। दोस्तों, आप देखेंगे कि कोल्ड क्रीम यूज़ करने के साथ साथ आपको फेयरनेस यानी कि जो रंग है वो छुप जाता है, यानी कि चिपचिपाट या फिर ऑयलनेस दिखाई देता है। इसको यूज़ करने के बाद आपको ऑयलनेस नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा, मॉइस्चराइजिंग बनाएगा, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको नंबर 7 पे रखा है। क्योंकि ये जो है VLCC का हर एक प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इससे पहले मैं VLCC का एक फेस वॉश के बारे में वीडियो बनाया, तो आप चाहते हो उसको देख सकते हैं। VLCC का ये पैक 75 ग्राम का आता है, आपको लेगा 130 रुपीज़।
नंबर 6 पे मैंने रखा है रूप मंत्रा कोल्ड क्रीम। ये आयुर्वेदिक है, यहाँ पर लिखा भी है, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें शिया बटर, केसर, सेफ्रॉन है। कीप स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ, लाइटनिंग ब्राइटनिंग द स्किन टोन। तो दोस्तों उसके बाद इसमें और इसमें जो ये केसर है, शिया बटर है, तो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से डीपली मॉइस्चराइजिंग बनाएगा। आपकी स्किन को ये इचिनिंग होता है ना ड्राइनेस से, इससे भी छुटकारा मिले। ये प्रोडक्ट आसानी से आपको ऑनलाइन से आपको मिल जाएगी। 100 ग्राम का पैक आपको 80 रुपीज़ में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। नंबर 5 में रखा है मैंने बोरुलिन। तो बोरुलिन हम बरसों से यूज़ करते आ रहे हैं, भरोसा मन एक ही है बोरुलिन। तो बोरुलिन दोस्तों हमारी स्किन को, हमारी लिप को सॉफ्ट स्मूथ मॉइस्चराइजिंग बनाता है। साथ में ये आपको 10 रुपीज़ में शुरुआत होता है, 10 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, 20 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, 30 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसका प्राइस बहुत सारा है, बहुत सारा साइज़ में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छा है, नंबर 1 लिप बाम की तरह मैं यूज़ करती हूँ हर नाइट में ये बोरोलिन। आप ज़रूर यूज़ करने में बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद मैं रखा है जॉनसन्स बेबी क्रीम। बेबी क्रीम जो ये होता है ना, नंबर 4 में इसलिए रखा है कि बहुत सारा दोस्तों को क्या होता है कि बहुत सारा हार्मफुल केमिकल्स की वजह से आपको स्किन में शूटेबल नहीं होता है, तो ये बोरोलिन बिल्कुल 100% सेफ है, क्योंकि ये बेबी यूज़ करता है। बेबी का जो स्किन होता है बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, और इसलिए मैं मानती हूँ कि आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको शूट नहीं करता है, तो आप ज़रूर ये जॉनसन्स का बेबी क्रीम यूज़ करने में बिल्कुल ना भूलें। ये आपको स्किन को मॉइस्चराइजिंग, सॉफ्ट स्मूथ बनाने साथ साथ ये आपको बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होगा। सारी की सारी हार्मफुल केमिकल से ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल सेफ है, इसलिए मैं इसको नंबर 4 में रखा। ये प्रोडक्ट 100 ग्राम का है, 145 रुपीज़ में आसानी से कोई भी शॉपिंग एप्स में आपको मिल जाएगी। नंबर 3 है निविया क्रीम। दोस्तों ये जो निविया ब्लू कलर में आता है, ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, टेक्सचर है, ये आपकी स्किन को बहुत ही लंबे समय तक मॉइस्चराइजिंग बना के रखेगा, और साथ में आपकी स्किन को ड्राइनेस से बचाएगा, और ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं नंबर 3 पे रखा। ये आता है आपको 100 ml में आपको 160 रुपीज़ में बहुत ही आसानी से ऑनलाइन में आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छा है, इसका स्मेल जो गड़ा है, इसलिए मैं नंबर 3 में रखा। इसके बाद नंबर 2 में रखा है निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजिंग। ये बहुत ही अच्छा है, आपकी चिपचिपाहट यानी कि वॉयलनेस तो बिल्कुल भी नहीं देता है, बहुत ही अच्छा, अच्छे से आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ मॉइस्चराइजिंग बनाता है, और साथ ही साथ ये जो कोल्ड क्रीम है खास करके ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। और साथ में इसका प्राइस, हाँ आप जानने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, इसका प्राइस है 100 ग्राम का है 160 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। इसमें विटामिन ई भी है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग में ऐप्स में मिल जाएगी। नंबर 1 पे मैंने रखा है पॉन्स का कोल्ड क्रीम। दोस्तों ये 5 रुपीज़ में शुरुआत होता है, और भी बहुत सारा इसका बड़े वाला पैक है, उस हिसाब से आपको दिखने को मिलेगा। बहुत ही दम में कम है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ज़रूर ये पॉन्स हमारी हमें बैग पे रखती हूँ। हमारी फैमिली ये यूज़ करते हैं, मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, बहुत सालों से मैं ये यूज़ करते आ रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा सॉफ्ट स्मूथ बनाता है, साथ में ये मॉइस्चराइजिंग बहुत ही लंबे समय तक लॉक करके रखता है। तो इसका खास बात यही है, ये जो पॉन्स है ना, हमारी स्किन को ड्राइनेस से छुटकारा बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हाँ, बूढ़े हो या बच्चा, हम सभी यूज़ कर सकते हैं, हम सब यूज़ करते हैं, फैमिली मेंबर आप चाहते हैं तो ज़रूर एक बड़ा वाला पैक आपको खरीद के रखना चाहिए। हर विंटर सीजन में आप ज़रूर ये ट्राई कर सकते हैं, हर स्किन टाइप वाला। तो आज मैं आप सभी के साथ
10 मॉइस्चराइजिंग यानी कि कोल्ड क्रीम के बारे में बात किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब के पास जो बेल है ना उसको ऑल कर दीजिए ताकि जब भी ऐसा अच्छा अच्छा वीडियो डालूँ सबसे पहले आप देखें। बेहतरीन लिप बाम, दोस्तों लिप बाम के बारे में भी मैं बात करने वाली हूँ, लिप बाम के बारे में एक वीडियो छोड़ने वाली हूँ, शेयर करूँगी तो ज़रूर दिखेगा। बॉडी लोशन के बारे में ज़रूर शेयर करूँगी, आप दिखेगा ज़रूर। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आपकी मन में क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। कोई भी कोल्ड क्रीम आप यूज़ किया है या फिर करना चाहते हैं, कोई भी सवाल जवाब है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, कमेंट की मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद है आप सभी को। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही।